या टेबल के लिए सबसे पहले हम टेबल का टैग ओपन करेंगे, टेबल एंटर। ये देखिए टेबल हमारा टैग ओपन हो चुका है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के साथ। आप इसके अंदर जो है वो हम रोज एंड कॉलम्स बना सकते हैं। तो रो के लिए हम टैग का यूज करेंगे टेबल रो, तो टी आर का टैग। अब इस टी आर के टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, रोज क्रिएट में कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको टेबल हेडिंग और टेबल डेटा का डिफरेंस बता देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल हेडिंग और इसके अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ डेटा करके, तो आप देखें यहाँ पे ये मुझे इस तरह से कुछ मिल रहा है, बोल्ड करके मिल रहा है, क्योंकि इसको हमने टेबल हेडिंग के टैग के अंदर डाला हुआ है। अब इसके नीचे मैं हेडिंग लगा सॉरी टैग लगा लेता हूँ टी डी का टेबल डेटा एंटर, और इसके अंदर अब हम डेटा डालेंगे। डेटा मैंने कॉन्टेंट पास किया, अब देखें दोनों में फर्क आपको मिल रहा है। टेबल डेटा आपका एज यूजुअल टेक्स्ट है जैसे आपका टेक्स्ट होता है, मगर टेबल हेडिंग आपका एज अ हेडिंग यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम टेबल हेडिंग और टेबल डेटा का यूज करते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, तो इस रो को भी हम हटा देते हैं। सबसे पहले हम टेबल तो क्रिएट कर रहे हैं, हम क्या क्रिएट करने वाले एक में टाइम टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें सब डेज में रखूंगा और टाइमिंग रखूंगा, और फिर क्लासेस रखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से डेज में होंगे और किस टाइम में। तो ऐसा कुछ हम क्रिएट करेंगे। पहले मैंने ओपन किया टेबल का टैग, अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा टेबल रो, तो टी आर का टैग लगाया। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, मैं टेबल हेडिंग मतलब टेबल हेडिंग भी लगा सकता हूँ और टेबल डेटा भी डाल सकता हूँ। तो पहले मैं टी एच का टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं डालता हूँ डेज के नाम मंडे, अच्छा शॉर्ट रख देते हैं मंडे। और अब एक और टेबल हेडिंग बना लेते जिसमें हम डाल देते ट्यूजडे, ठीक है। टेबल हेडिंग बनाया, इसको हम रख देते हैं वेनसडे। टेबल हेडिंग थर्सडे, और दोबारा से एक टेबल हेडिंग बना के इसको हम रख देते हैं फ्राइडे, और लास्टली हम रख देते हैं सैटरडे, ठीक है। तो ये मैंने डेज के नाम रख दिए। तो यहाँ पे देखिए टेबल हेडिंग हमारा कुछ बोल्ड करके हमें मिल रहा है। अब मैं इससे पहले ये जो हमारा टाइमिंग सॉरी डे स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले मैं एक टेबल हेडिंग लगा लेता हूँ और इसमें हम रख देते हैं टाइमिंग, क्योंकि नीचे मैं इसके टाइमिंग डालने वाला हूँ। तो अब ये देखिए जैसे ही मैंने इसको ये जितना भी टेबल हेडिंग थे मैंने इसको टी आर के अंदर डाला, तो क्या हुआ मेरे पास एक रो बन चुका है। ये देखिए हमारे पास ये रो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक और रो क्रिएट करेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट्स वगैरह डालेंगे। तो इसको मैं इसके नीचे एक और मैं क्या करूँगा टी आर बनाऊँगा, क्योंकि मैं दूसरा जो है वो रो बनाना चाह रहा हूँ। अब ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें क्या डालूंगा, अब हम टेबल जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल हेडिंग डालेंगे, तो टी एच लगाया मैंने। अब सबसे टेबल पहले टेबल हेडिंग में क्या डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे पास हमारे पास पहले क्या है टाइमिंग है, तो मैं पहले सबसे फर्स्ट यहाँ पे टाइमिंग डालूंगा। तो स्टार्ट होगा 9 से, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 9 AM डाल दिया, सही है। सो 9 AM, सो 9 AM में हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगी। तो इसके नीचे अब हम सब्जेक्ट का रो बनाएंगे। तो अब टेबल हेडिंग में नहीं डालूंगा बल्कि अब हम डालेंगे टेबल डेटा, क्योंकि अब मुझे सिंगल जो है वो बोल्ड में नहीं चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देते हैं इंग्लिश। इस तरह से अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर बना रहे, तो मैं कुछ भी सब्जेक्ट जो है वो उठा लेता हूँ। अच्छा, आई थिंक यहाँ पर ये जूम हुआ हुआ है, तो इसको सरा से जूम आउट करेंगे। अब नज़र आ रहा है आपको फिर भी सही। तो अब दूसरा जो है वो टेबल डेटा बना लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं हम बायोलॉजी और फिर से टीटी और इसमें डाल देते हैं मैथ। अच्छा, अब एक और टीडी बना लेते हैं टीडी, क्योंकि हमें टोटल जो है वो हमारे 6 डेज हैं, तो 6 हमें सब्जेक्ट डालने पड़ेंगे, 3 तो हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल देता हूँ फिजिक्स, ठीक है फिजिक्स आ गया। और इसके नीचे दोबारा से टीडी बना लेते हैं और इसमें डाल देता हूँ केमिस्ट्री, और नीचे लास्टली हम क्या करते हैं एक लास्ट टेबल डेटा डाल देते हैं आर्ट का, ठीक है आर्ट। अब ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रो क्रिएट हो चुका है 9 AM,
ठीक है, मंडे को हमारा 9 AM पे ये क्लासेस चलने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मैं दोबारा से रिपीट कॉपी करके इसको पूरा मैंने कॉपी किया, इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको ज़रा सा हम स्पेस डाल देंगे इसमें। अच्छा, इसको पेस्ट कर दिया। अब टाइमिंग हमारा क्या, सेकेंड क्लास 10 बजे वो स्टार्ट होगी, तो 10 AM डाल दिया। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इनके अंदर का जो डेटा है इनके ऊपर आप ज़्यादा गौर ना करें, आपको सिर्फ ये समझना है कि टेबल हमारा कैसे बनता है। तो 10 के लिए हो गया, सब्जेक्ट दोबारा वही रिपीट हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इसको दोबारा से हमने कॉपी तो करा हुआ है, मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरे पास थर्ड रो आ जाए। ठीक है, 11 इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे हम दोबारा इसको डाल देते हैं, इसको कर देते हैं 12, लेकिन ये हो जाएगा PM। ठीक है, तो ये हम एक टाइम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो इस तरह से हमारा टाइम टेबल बनता है, इसको हमने किया, और लास्ट इसको हम करेंगे 1 पे। ठीक है, ये हो गया PM। ओके, तो देखिए हमारे जिसको हमने रो बनाया हुआ है टेबल, रो के अंदर जितना भी हमने डेटा डाला है वो हमारे पास रो के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे रोज जो है वो कंप्लीट हो गए, लेकिन ये जो 11 का टाइम है उसकी तरफ हम बाद में चलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास रो है टेबल, ठीक है, हेडिंग्स है जो मेरे पास, उनमें मैं क्या करूँगा, जो डेज के नाम है मेरे पास, ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेबल रो में एक एट्रीब्यूट पास करेंगे विच इज़ बैकग्राउंड PG कलर, और इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करके कर देते हैं ग्रे। तो हम कलर चेंज करते कर सकते हैं इस तरह से, वैसे तो हम ये करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें ये जो हमारा टेबल हेडिंग है ऊपर जो टाइमिंग है मंडे ट्यूसडे, ये हमारा डेज है जो इनका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये हम CSS के भी थ्रू करते हैं, लेकिन मैं अभी आपको एट्रीब्यूट के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो कलर चेंज हो गया। बाकी अगर आपको इन रोज के कलर चेंज करने, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे PG कलर डाल देता हूँ, और इसको हम कुछ लाइट कलर रखते हैं, तो मैं इसको कर देता हूँ लाइट ग्रे। ठीक है, लाइट ग्रे किया, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए इसका भी कलर चेंज हो गया। तो बाकी ये मुझे सारे रोज में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके इस एट्रीब्यूट को PG कलर वाले को, इसको मैं सारे रोज में लगा दूंगा। ये देखिए हमारा ये आ गया सेकेंड रो, ठीक है, ये हमारा इसके बाद वाला रो आ गया, और नीचे भी इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इस टेबल रो में अप्लाई कर देते हैं, और लास्टली हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी वो ख़ास मज़ा नहीं आ रहा इस टेबल में, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे बॉर्डर्स भी तो चाहिए ना, तो बॉर्डर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा टेबल का टैग है इसके ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ PG कलर, सेम PG कलर अप्लाई करेंगे, और PG कलर में मैं करूँगा इसको ब्लैक कलर। तो मैंने ब्लैक किया, अब इसको रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारे पास बॉर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, दैट्स लुकिंग समथिंग नाइस। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ब्रेक टाइम भी चाहिए, तो ये जो 11 का स्लॉट है, ठीक है, 11 AM का, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स कुछ नहीं चाह रहा, बल्कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरा एक ब्रेक टाइम हो। तो मैं चलता हूँ 11 AM वाले में, ये देखें 11 AM वाला स्लॉट ये मेरे पास, यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स मैंने डाले हुए इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये मैंने कर दिया रिमूव। और यहाँ पे अब मैं एक ही टेबल डेटा डालूंगा जिसको हम करेंगे ब्रेक टाइम, यहाँ पे कर देता हूँ ब्रेक टाइम। ठीक है, तो ब्रेक टाइम डाल दिया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जगह सारे जो खाली आ रहा है, ये पूरा स्पेस है वो खाली हो रहा है, तो इसको हम किस तरह से फिल करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रो स्पेन और कॉलम स्पेन का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा फिल करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें अप्लाई कर देता हूँ ये टेबल डेटा में हम एक एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे विच इज़ विच इज़ कॉलम स्पेन, तो मैं इसको करूँगा कॉल स्पेन, और इक्वल रख के डबल कोट लगाया। अब इसमें कितनी वैल्यू हम डालेंगे, यहाँ पे डेज हमारे पास कितने, मंडे ट्यूसडे कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो मैं यहाँ पे कॉल स्पेन कर दूंगा 6। जैसे ही मैं कॉल स्पेन 6 करूँगा, तो ये देखिए ये पूरा स्पेस ले लेगा, देखिए इसने पूरा स्पेस ले लिया है। अब मैं यहाँ पे ये जो मेरा ब्रेक टाइम है इसको मैं सेंटर में कैसे ले आ सकता हूँ, तो सेंटर में लाना बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा TR है टेबल रो है,
इसमें हम अलाइन कर देंगे, ठीक है, अलाइन एट्रीब्यूट अप्लाई किया और इसको हम कर देते हैं सेंटर। सो हमने अलाइन कर दिया सेंटर, देखिए ये हमारा ये जो ब्रेक टाइम है ये हमारा सेंटर में आ चुका है। इसका अब एक और इसमें मजे की चीज़ ये है कि इसमें हम हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं ये जो एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं टेबल रो में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने टेबल रो में कर दिया हाइट और इसमें मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ, आपको जितना चाहिए मैं 50 कर लेता हूँ, तो इसका मुझे हाइट बढ़ा, देखिए इसका हाइट बढ़ चुका है, दैट्स लुकिंग समथिंग नाइस। और हम जो है वो इसका कलर भी अपने हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ इस टेबल डेटा में, ठीक है, मुझे सिर्फ अगर इस टेबल डेटा का कलर चेंज करना है तो मैं टेबल डेटा में जाऊँगा, अगर मुझे इस पूरे टाइमिंग के साथ इस पूरे रो का कलर चेंज करना है तो टेबल रो में पीजी कलर अप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मैं इस टेबल डेटा में अप्लाई कर देता हूँ पीजी कलर, ठीक है, एट्रीब्यूट हमने अप्लाई किया पीजी कलर का और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं कलर येलो का, ताकि ये ज़रा सा डिफरेंट लगे क्योंकि ये हमारा ब्रेक टाइम है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया ये इस तरह से। अब हम ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये जो हमारे टेबल हेडिंग्स हैं इनको हम इनका भी हाइट हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। हम ऊपर स्क्रोल कर लिया हमने तो इस टेबल रो के अंदर ये देखिए ये टाइमिंग मंडे ट्यूसडे सारे डेज हैं, ये इस वाले की बात करो डार्क ग्रे जो कलर है, इसमें हम क्या कर सकते हैं विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं हाइट एट्रीब्यूट अप्लाई कर देता हूँ और हाइट, ठीक है, और मैं हाइट इसमें कर देता हूँ, अगर मैं इसमें करता हूँ 50 तो देखें इसका भी जो है वो हाइट बढ़ जाएगा, लेकिन हम 50 नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कम रखेंगे, मैंने 20 रखा, अच्छा 30 रख लेते हैं, 30 इज गुड। और यहाँ पे एक और काम करेंगे, आप विद भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इंडिविजुअली जाके अलग अलग विद अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे करता हूँ विद और विद हम करते हैं 100, सॉरी इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं डबल कोट के अंदर 100 किया, तो देखिए अब इसका जो है वो हमारा विद बढ़ चुका है, ठीक है, और आप यहाँ पे भी इस विद को आप इन सब पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप ये विद यहाँ पे टाइमिंग में आपने किया था, ठीक है, उसका विद बढ़ा है, तो इसको आप कहीं पे भी अगर ट्यूसडे में मैंने अप्लाई करना है तो मैंने ट्यूसडे में किया तो देखिए इसका विद बढ़ चुका है, तो आप ये सब में ही अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब मैं मल्टीपल कर्सर जो है वो पॉइंट ये सिलेक्ट कर सकता हूँ लाइन्स, कैसे मैं अल्ट प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड में और लाइन को प्रेस करता जाऊँगा जो मुझे सिलेक्ट करने, ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सारे मैंने डे सिलेक्ट कर लिया और उसमें कर देता हूँ विद, और विद अप्लाई कर हमने करना है 100 का, और सॉरी इसे बाहर निकल गया कोड से, तो मैंने 100 कर दिया, आप देखें इनका विद जो है वो बढ़ चुका है, 100 हो चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो आगे जाके इसमें खुद से प्रैक्टिस करके इन सब में भी आप विद अप्लाई कर सकते हैं, ताकि इनका भी जो है वो विद बढ़ सके, आप इनमें हाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो इस तरह से हम HTML से टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं।